उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने आज नई दरें जारी की। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपये प्रति 50 लीटर रखी गई है। बता दें कि प्रदेश में बिजली के दामों में 8 से 11% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। यूपीसीएल ने 23 से 27% बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से अपना फैसला लेने की बात कही थी। इस साल यूपीसीएल ने बिजली खरीद पर सालाना 1281 करोड़ का हवाला देते हुए मांग की थी कि बिजली की दरों में 23 से 27% की बढ़ोतरी की जाए। प्रदेश भर में जनसुनवाई के साथ ही सभी हितधारकों से की गई बातचीत के बाद बिजली की नई दरों को अंतिम रूप देकर इस सप्ताह के अंत या सोमवार तक बिजली दरें घोषित किए जाने की बात कही थी। सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद आयोग 8 से 11% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसा संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। उसका बेनिफिट इनडायरेक्ट वे में चुनाव उठाने के लिए नियामक आयोग ने जानबूझकर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आचार संहिता को देखते हुए जब तक पोलिंग नहीं हो गई, पोलिंग होने के उपरांत गाइडलाइन है भारत सरकार की, इलेक्शन कमिश्नर की, कि जब पोलिंग हो गई है तो उसके बाद आप टैरिफ डिक्लेयर कर सकते हैं। पोलिंग होने के बाद नहीं नहीं कहीं पर डिक्लेयर नहीं की गई। आचार संहिता जब लागू हुआ उस समय नहीं डिक्लेयर की गई, उसके पहले डिक्लेयर की गई थी। नहीं ऐसा नहीं है, इसको बहुत विचार किया गया, एग्जामिन किया गया है। अगर देखा जाए तो 27.3% के हिसाब, मतलब उन्होंने बढ़ा कर दिया है कि 27% हमें चाहिए, लेकिन हम उसको एग्जामिन करते हुए बहुत नीचे तक लाए, 6.92%। पिछले साल 9.64% था, उसके हिसाब से भी अगर पिछले साल से देखेंगे तो आपका 6.92%।